यार तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है क्या कि तुम क्लास में अपनी सीट पे बैठने जा रहे हो और तुम जैसे ही बैठो पता नहीं किसी ने कुर्सी खींच दिया, तुम इम्बैलेंस हो गए एंड तुम बूम जमीन पे गिर जाते हो और पूरी क्लास तुम्हारी तरफ देख रही है एंड तुम जमीन पे बैठी हो लाइक ऑकवर्ड। Hey guys, welcome back to DNN channel. आज हम डिस्कस करने वाले क्या सबकी नजरें हमारे ऊपर होती है। Let's get started. Oh, friends, इस फेनोमेना को कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि तुमने जो भी छोटी सी गलती या कोई भी हरकत की हो तुम्हें लगता है कि सब लोग उससे ही देख रहे हैं, कि सबका ध्यान तुम्हारी हरकत पे ही जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वेरी सिंपल, तुम वॉक कर रहे हो, ठीक है, तुम चल रहे हो, चलते चलते पता नहीं कैसे तुम्हारा जो पैर है वो स्लिप हो गया या व्हाटसोएवर एंड यू फेल डाउन और सब लोग देख रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि यार तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं इतना क्लमजी क्यों हूं, मैं हमेशा किसी से गिर जाता हूं। एंड एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, अरुण लाइक वॉशरूम में थे, सो द डोर ऑफ द वॉशरूम वाज ऐसे वो क्लोज हो रखा था, आई थॉट समबडी मस्ट बी इनसाइड और ऐसे पीछे एक लाइन बनी लाइक मेरे पीछे कॉल एंड यार मैं क्या की कौन है अंदर इतना टाइम कर रहा है। I was like knocking and I knocked very hard and like the door was actually open. ठीक है and I was like so मैं तो मैं की dumb कैसे हो सकती है कि मैं door नहीं check कर सकती थी, मेरे को लगा मैं polite थी वहाँ पे फिर उसकी wait करती हूँ पर that's what we think is something दूसरे हम कहते हैं पर मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ किसी को फर्क नहीं पड़ता, कसम से किसी को फर्क नहीं पड़ता, nobody really cares। तो अगर आपने मतलब कोई भी छोटी मोटी हरकतें की हो हमें लगता है यार सबकी नजर हम पे, उनको लगा हम बहुत ही बेवकूफ कर दिया, सो डाउन या सो ऑकवर्ड या सो वियर्ड और एक्चुअली में किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा होता, हम अपने रिएक्शन से उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर तुम बस सिंपली और लाइक ओके नथिंग हैपेंड कुछ हुआ ही नहीं ऐसे करके चले जाओगे तो शायद किसी का काम काम भी नहीं जाएगा, बट यू लाइक अगर तुम चीप हो गया ज्यादा मतलब ज्यादा एग्रेसिव एक्शन करोगे रिएक्शन तो उससे लोगों का ध्यान जाएगा, उनको किस तरह पता लगेगा कि तुमने क्या किया। यार अभी तो स्पॉटलाइट इफेक्ट इसकी दिक्कत क्या होती है, इसकी ये दिक्कत हो जाती है कि जब भी हमारे हमें लगता है स्पॉटलाइट इफेक्ट है कि भाई सब हम ही देख रहे हैं, हम बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, हम चलते वक्त भी हम बहुत ही धूम से चलने की कोशिश करेंगे, यू नो अपने से बाल सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, सब लोग मेरे देख रहा है शुड यू नो वेरी प्रेजेंटेड एंड वेल मतलब तो बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, जो फियर ऑफ जजमेंट है ना कहीं से यहाँ पे आने लग जाता है बिकॉज यू आर ऑलवेज थिंकिंग वो क्या सोचेगी ये क्या होगा वो टीचर्स क्या सोचेंगे, मतलब तो इससे क्या हो जाता है जो तुम्हारा सेल्फ एस्टीम है वो लो होता जा रहा है बिकॉज तुम दूसरों के जजमेंट्स को ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, अपने को वो चीज नहीं करनी, ठीक है अपने को नहीं करनी। सो हाउ टू ओवरकम दिस स्पॉटलाइट इफेक्ट और अपने पे ज्यादा ध्यान ना लाना मैडम, यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट। केले के छिलके में तुम स्लिप कर गए, मैं ये चीज नहीं समझा रही, ठीक है ओके। सो बेसिकली हाउ टू रिएक्ट अगर तुमने कोई हरकत कर दी तो, नंबर वन जस्ट स्माइल, जस्ट लव विद देम, मतलब उनके साथ हंसने लग जाओ, अगर सब हंस रहे हैं जस्ट स्माइल, डोंट बी वेरी एंग्री और वेरी एम्बैरस्ड टू स्माइल, यू लाइक ये तो होता रहता है रोज, इजी, सब लोग क्लमजी होते हैं, ठीक है सबसे गलतियां होती है, जैसे वॉशरूम है तुम टैप खोलते हो, तुम ज्यादा खोलोगे तुम्हें फ्लो का आइडिया नहीं होता, वो इतनी ज्यादा जोर से खुल जाता है कि सारा जो पानी तुम्हारे ऊपर आ जाता है एंड यहाँ पे वो अपना पेंटिंग करके चला जाता है ऑन योर क्लोथ्स, यू हैव नॉट बीन देयर, सो इट्स जस्ट ब्रीथ डीपली। क्या होता है जब हम लोग ऐसे मोमेंट होते हैं ना जब सारा हमें लगता है एक्चुअली दिस इज नाउ माइंड, हमें लगता है कि सारा अटेंशन हमारे पे है बट एक्चुअली नहीं होता, तो हम काफी ओवरवेल्ड हो सकते हैं, हम लोग काफी एंशियस फील कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो जो फियर एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिव कर देता है, हमें क्या करना है लॉन्ग ब्रीथ करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, उससे क्या जो हमारा ब्रेन थोड़ा काम हो जाएगा और इसलिए हम जो रिएक्शन है थोड़े ढंग से दे पाएंगे, मतलब ज्यादा से हट बढ़ाएंगे नहीं। एक्चुअली मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, हम लोग क्या बोलते हैं कि जब हम लोग हैप्पी होते हैं वी स्माइल, जब हमें एंग्री होते हैं वी फ्राउन,
बट इसका उल्टा भी ट्रू है. अगर तुम स्माइल कर रहे हो, इफ यू आर कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग फॉर यू नो व्हाट अ मिनट और टू, तुम्हें एक्चुअली में हैप्पीनेस फील होती है बिकॉज तुम्हारे बॉडी को लगता है कि तुम स्माइल कर रहे हो तो तुम खुश होगे. तो अगर तुम एक स्माइल फेक करते हो फिर तुम्हें एक्चुअली में हैप्पीनेस फील होती है. इसी के लिए जब भी तुमने कोई हरकत की हो, क्लम्सी एक्टिविटीज, वी ऑल डू दैट, ओके, जस्ट गेट अप एंड ट्राई अ पावर पोज. रिमेंबर पावर पोजेस, शोल्डर्स बैक, आई कॉन्टैक्ट, चिन पैरेलल, एंड योर लेग शुड बी 1 फीट अपार्ट और शोल्डर फीट अपार्ट. Your back should be straight, right? And after your hands here, go open होनी चाहिए. So you can just go and strike a power pose. तो इससे क्या होता है, आपको power pose से आप power pose strike कर रहे हो तो आपके brain को लगता है यार ये power pose strike कर रही है, इसका मतलब ये तो confident होगी, right? तो आपको actually में confident feel होना start हो जाता है. That's why power pose are very important. Now it's time for the bonus tip. यार एक्चुअली क्या हो सकता है कि जब तुमने वो एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ उसके बाद भी तुमसे बहुत बार रीथिंक कर रहे हो, रिवाइंड एंड प्ले, रिवाइंड एंड प्ले, इसे गिरा होगा, उसने देखा होगा, उसने देखा होगा, अब इसको कैसे खत्म करें. तुम सोच रहे हो व्हाट इफ यू नो दे सॉ मी बीइंग दैट इन दैट एम्बैरेसिंग मोमेंट, व्हाट इफ मैंने ऐसी हरकत की और उन्होंने देख लिया, वो क्या सोच रहे होंगे. रिप्लेस व्हाट इफ विद सो व्हाट, उन्होंने देख लिया, क्या ही फर्क पड़ता है, सब लोग ही तो करते हैं. So what, यार सबके moments होते हैं embarrassing. So what is a very powerful technique जिससे आप अपने mind को relax कर सकते हो, because जब आप अपने mind को logical statements देते हो, logical reasoning वाले questions देते हो, it actually stops questioning you. I'm not joking, यार this really helps. अपने brain से आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप अपने friend से बात कर रहे हो, पर logical statements provide करके कि यार सबके साथ होते हैं, इतना फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, तो it will really stop questioning. Guys, we have reached the end of the video. If you like my video, push that like button, subscribe to my channel if you are new, share it with your friends, and push that notification button so that you're notified whenever I put a new video. Also, comment section mein mereko zarur batana ki tumhare kaun se embarrassing moments rahe hain. Jaise mere to kafi rahe hain. Chalte chalte gir jana. कुर्सी से भी गिर गई एंड दैट बाथरूम वाली ना शिट. यस एंड आई विल लव टू रीड ऑल ऑफ योर एम्बैरेसिंग मोमेंट्स. सो टाटा, बाय बाय. ओह ओके.